किट्टा चुप ही नहीं रहेगा। देख ले जीतू ना सही बैठा रहता सी। किट्टा वहां बैठ दे। किट्टू बैठेगा ही नहीं। जाने लग गए हैं, विदाई होने लग गई है, सोनी जाने लग गई है, कल्पना भी रेडी बैठी है जाने के लिए। एक घंटे पूरा घर भरा था, अब धीरे धीरे करके ना सारा खाली होने लग गया है। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा है, बच्चे काफी सारा शोर कर रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और खुशी प्लेट ले आई है, थाली लगा ली है उसने, तो चलिए बच्चों की राखी बंधवाते हैं। और मैं नाच के रेडी हो गई हूँ, आज मैंने ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी है, बाकी ये दोनों सूट रहे हैं। चिड़चिड़ा है ना। अरे भैया चलो खुशी खुशी रेडी हो गई। जीजा साली की बातें चल रही है तो मेरे वीडियो में आवाज भी आ रही है। बच्चों को बुलाती हूँ, आ जाओ आयान, आ जाओ। सोनी कुर्सी उठा लो, यही बैठा लो, फिर अकेला है ना अनु। अरे अरे जीतना दिख रहा कितना वहां बैठ दे। किट्टू बैठेगा देखो ना, बैठो बहुत बदमाश है ये। ला मैं पकड़ लूं तू, बात जी निकल निकाल के उतर, बैठ तू कुर्सी बैठ, तुम्हें जरा ये पास में आ गया। रक्षाबंधन हो चुका है लेकिन मेरा जो ब्लॉग है वो अभी तक नहीं गया है, क्योंकि आज दो दिन हो गए हैं, तो आज 2 तारीख हो गई है, यानी कि आज है 2 सितंबर। आज जाके मैं अपना ये जो वीडियो है वो एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। तो आज जाके मेरा ये वीडियो है वो देखिए आपके पास पहुँच जाएगा। और ये क्या था, सोनी ने किट्टू के और जीतू के और इसके यस के तीनों की राखी अपने घर पे ही बंधवा दी थी, और इधर अयान फिर अकेला रह गया था, तो कह रहा था मुझे नहीं बंधवानी है, तो इस वजह से ना यश को और जीतू को साथ में बैठा रखा है कि ये राखी बंधवा लेगा। तो देखिए कितना खुश हो रहा है, जिद कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे चारों के चारों, तो इस वजह से आवाज़ भी म्यूट कर रखी है क्योंकि ये कुछ भी सुनने नहीं दे रहे थे। और इधर अयान से कह रहे हैं कि दीदी के पैर छू लो, तो अयान कह रहा है कि मुझे नहीं छूना है, तो ज़बरदस्ती इसने पैर छुए हैं जब हमने सबने इसको बोला है उसके बाद। और फिर बच्चों के अयान की राखी बांध दी है, उसके बाद देखिए हम तीनों बहनों ने बगैर भाई के कैसे रक्षाबंधन मनाया है। तो हम तीनों ने आपस में ही राखी बांध ली हैं तीनों बहनों ने, और अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, कल्पना भी चली जाएगी और सोनी भी चली जाएगी, तो अभी थोड़ा टाइम है हम लोगों के पास, तो थोड़ी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो टाइम ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जल्दी से ना हम तीनों इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा था जो हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे जीजा सालियाँ दोनों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी अपने दादाजी की, तो ये मेरे दादाजी हैं, और दादा की गोद में ये मेरा क्यूट सा अयान है, यानी कि 4 मंथ का था ये,
तो मेरे दादाजी को 1 साल हो गया है एक्सपायर हुए, तो ये आर्मी मैन थे, आर्मी से रिटायर थे। तो हम लोग यहाँ पे तीनों बहनें बैठ के ना अपने दादाजी की बातें कर रहे थे कि पिछली साल 13 अगस्त की रक्षाबंधन थे और 20 अगस्त को मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, तो वही हम लोग यहाँ पे उनकी बातें कर रहे थे। कहते नहीं है टाइम पे याद आती है, क्योंकि पिछली बार थे, इस टाइम पे नहीं है हम लोगों के साथ। तो कहते नहीं है जब हम सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं ना तो पुरानी पुरानी कौन सी भी कहीं की भी बातें लेके बैठ जाते हैं सारे। तो बस घर की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कल्पना कह रही थी मैं लेट हो जाऊँगी तो मुझे निकलना पड़ेगा, तो ये कह रहे हैं रुक जाओ थोड़ी देर और, क्योंकि जब सारे बैठ जाते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। और खाना पीना खा के सारे फुर्सत में यहाँ पे बैठे हुए थे। तो चलिए, जितना वीडियो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी तक। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, तो मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।